चलित वर्ष भारत ठारू पछरे रहिब चीन अर्थनीति। चीन राष्ट्रपति सी जिनपिंग निजे कले स्वीकार, कहिले चीन जीडीपी वृद्धि हार कम रहिबार आशंका। आर्थिक वृद्धि दर मामलारे भारत तुलन में चीन को चलित वर्ष झटका लागिपारे। वैश्विक घटनागुड़िकर अधिक प्रभाव चीन उपरे पड़ुछि, तेणु चीन सरकार एहाको आखि आगरे रखी पूर्वरु आर्थिक विकास हार संपर्क में करा जायतिबा अनुमान को कम करि दैछन्ति। चीन राष्ट्रपति सी जिनपिंग निजे तांकर विकास दर कम रहिबो बोली स्वीकार करिछन्ति। चीन राष्ट्रपति सी जिनपिंग कहिछन्ति जे चलित आर्थिक वर्ष रे चीन आर्थिक विकास हार 5.5% रहिपारे। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଥିବା ବିକାଶ ହାରଠାରୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଚୀନରେ ବିଶାଳ ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଓ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କାରଣରୁ ଚୀନର ବିଶାଳ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଝଟକା ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି। ଗତବର୍ଷ ଚୀନରେ କରୋନା ଓ ତାର ଡେଲ୍ଟା ଭେରିଏଣ୍ଟ ସମେତ ଓମିକ୍ରନ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ କାରଣରୁ ଦେଶର ବିକାଶ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ଚୀନ କରୋନା ମହାମାରୀର ପ୍ରକୋପକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଏହା ଫଳରେ ଚୀନର ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ର खूब प्रभावित होता। अत्यधिक ऋण मध्य अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने को एक सरकारी अभियान कारण अर्थव्यवस्था में मंदावस्था देखा मिली। 2021 मसीह चीन अर्थनीति में 8.1% वृद्धि रेकर्ड करा सहित चीन अर्थव्यवस्था $18 ट्रिलियन हो जाता। चीन यह विकास हार को गत दशंधि सबुठारु भल विकास बोली कहुला। अन्य पक्षरे भारतर जीडीपी में वृद्धि होबार संभावना व्यक्त करा जायछि। एक रिपोर्ट अनुसार 2022-23 मसीहारे भारतर अर्थनीति 8% अधिक हार वृद्धि होबार आकलन करा जायछि। कम्युनिस्ट देशमानक संपर्क में कहुए जे सेमाने सबुबेले वास्तविक तथ्य को सामना को आनी नथांती, बरं ताकू लुचाई थांती। जहाँ तांकर भावमूर्ति को भल करिथाए सेपरि तथ्य को ही सेमाने सार्वजनीन करिथांती। डॉक्टर समन्वय नंदक इनपुट सह ब्यूरो रिपोर्ट Argus News।